दुर्गा पूजा, जो कि हर वर्ष भारत में मनाई जाने वाली और बंगाल की सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। हर वर्ष देवी शक्ति की 9 दिन 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान अपार प्रेम और श्रद्धा से लोग इकट्ठे होकर देवी की पूजा करते हैं और पंडालों के दर्शन करते हैं। परंतु इस वर्ष संक्रमित महामारी के चलते पूजा को ना ही विशेष रूप में मनाया जा रहा है, ना ही लोगों को पंडाल में जाने की या फिर बाहर घूमने की अनुमति है, और कुछ लोग डर के अवस्था में ना ही बाहर निकलने के लिए तत्पर हैं। इससे ऊंचे या मध्य वर्ग के लोगों को शायद कोई आपत्ति ना हो, पर नीचे वर्ग के लोग जैसे छोटे दुकानदार, ग्वाले, शिल्पकार, पंडाल बनाने वाले मजदूर और कुछ ऐसे ही लोग जिन्हें हम भूल जाते हैं, जो हमारे लिए हर पल उपस्थित रहते हैं और जिनके सहयोग के बिना पूजा का आनंद उठा पाना असंभव है, उनका विशेष रूप में नुकसान हुआ है। इस साल कोरोना के दिन तक पूजा वूजा नहीं हो रहा है ना, तो एक्स्ट्रा दूध का जरूरत नहीं है। ठीक है, जाइए। कहने को तो लोग कहते हैं कि क्या आवश्यकता है इन बड़े पंडालों की, प्रतिमाओं की, जन भोजन योजनाओं की। इससे अच्छा तो ये पैसा किसी अन्य जगह दान में उपयोग किया जा सकता था। पर कभी क्या हमने ये विचार किया है कि इन कार्यों में लगने वाला पैसा किसके पास जाता है? ये पैसा छोटे रूप में इन्हीं दुकानदार, मजदूर, शिल्पकार के पास जाता है और इसी कमाई वे भी अपने परिवार के साथ पूजा का आनंद ले सकते हैं। हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम इन लोगों के लिए एक बेहतर संसार बना सकें। ये हम सब मिलकर देवी शक्ति से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इस महामारी और विपदाओं से जल्द मुक्ति दिलाए और हर जीव जंतुओं को सुरक्षित रखे। आशा करते हैं आने वाले वर्ष में इसी उत्साह और जोश से हम माता का फिर से धूमधाम से स्वागत करेंगे।